मगर के काम संभाले बाप मोहल्ले के स्कूल में रियाजी का टीचर। मिलते थे कुछ हजार वो खुशी से गुजर बसर कर मिलकर। एक दिन जिक्र छिड़ा माने कि क्यों ना इकबाल का बदल दें स्कूल अब। वैसे भी माहौल खराब है और इसकी यारियां फजूल सब। काफी देर मौजू पर बहस फिर कहीं जाकर नतीजे पर पहुंचे के दाखला कर रहे हैं इसका अपने स्कूल में। पढ़े गए आपके होते हुए अब स्कूल का पहला दिन है। बाप के सामने घबरी वो क्लास में। वो जहब मिटाए बस्ता उठाया और जाकर बैठ गया लास्ट में। कुछ लड़के कस रहे ताने वो कुछ उस पे आ रहे हार है। उनमें से तीन को उठा कर भेज दिया टीचर ने क्लास से बाहर है। उन तीनों में पहला फरास दूसरा था शाहिद और तीसरा बिलाल है। बस उस दिन के बाद से तीनों को हो गए इकबाल के बाप से खार ये। वो तीनों ढूंढते मौके बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉल अपार्ट। और वक्त के साथ साथ तेजी से बढ़ रही तीनों में बदले की आग। एक दिन बिलाल को पता लगा कि ये टीचर इकबाल का बाप। बस वहीं से जरिया बनाया इकबाल को हो गया रास्ता साफ। दोस्ती के लारे दिए जो साथ में खारे खिलारे भी हैं। वो बेचारा बहुत मासूम मिलना संगत ये घाटे की है। कुछ अरसे में दोस्ती गहरी के तीनों का घर में बेहद आना जाना था। पर किसी को क्या पता कि इसका मकसद सिर्फ इंतकाम दिखाना था। एक दिन लगे हाथ शायद कोई खबर के इकबाल और मास्टर घर पे हो रहा नहीं है। सबर मुआयदा धमकाएंगे करना नहीं है। मर्डर तीनों तैश में टाप गए दीवार भाले पकड़ नजर तोड़ाई तो देखा टीचर गहरी नींद के गश में। मारे जिस्म पे नील बांध दिया सहन में कस के तीनों समझे इसका बेटा कहीं छुप गया। छत पे तोड़ दी भाले से टांग जित में देख के हंस रहे। ठूस दिया कपड़ा हलक तक मकान से बाहर न जाए आवाज। इतने में अचानक किसी ने मार दी सर पे कस के राड। बेदर्दी से मार दी सर पे राड। खून की छींटों से बिस्तर लाल। वो तीन वापस टाप के बाहर ये अकेला देख रहा है बाप की लाश। जी हाँ वो टाप के बाहर इस दफा इकबाल के हाथ से वार। इलाके में फैल गई बात के उतारा बेटे ने मौत के घाट। कहानी का दूसरा रुख ये इकबाल उसका सौतेला बेटा था। उसने गैरत के नाम पे मारा ऐसा वो मुझे कहता था। वो करता ज्यादती इसकी बहनों के साथ इसने कई दफा देखा था। माँ चुप कराती इसे कहीं ना जा छत उसे यही डर रहता था। कैसे भी छोड़ती जान इकबाल बस इसी की ताक में बैठा था। शायद कोई इकबाल नहीं दी थी खबर जब घर पे ये मास्टर अकेला था। वो कहता है गैरत देख वो कहता है जुर्म देख। आज उसका आठवां साल मुलजिम को उम्र कैद। वो कहता है गैरत देख वो कहता है जुर्म देख। आज उसका आठवां साल मुलजिम को उम्र कैद।